एलएसी पर तनाव के बाद भारत चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी का अलर्ट। गलवान घाटी में झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे। चीन के 43 सैनिक मारे जाने या घायल होने की खबर। एलएसी पर तनाव के बीच चीन का प्रोपेगेंडा, टैंक ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम से युद्ध अभ्यास। ग्लोब टाइम ने वीडियो किया शेयर। हिंसक झड़प में चीन को हुआ भारी नुकसान। मीडिया सूत्रों की माने तो चीनी सेना के कमांडिंग ऑफिसर की मौत। झड़प में शामिल था कमांडिंग ऑफिसर। गलवान में हुई झड़प में मारे गए हैं 43 चीनी सैनिक। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 19 जून को शाम 5 बजे होगी यह बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। भारत चीन विवाद पर यह बैठक होगी। पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी है। एलएसी पर हिंसक झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट। गलवान में जवानों का नुकसान बेहद दर्दनाक। सैनिकों के जबरदस्त जाबाजी दिखाई। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि सैनिकों का बलिदान नहीं भूलेगा देश। शहादत याद रखेगा हिंदुस्तान। जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है देश। जवानों की शहादत से मन दुखी। चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह की अगुवाई में यह बैठक हुई है। एनएसए, तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस रहे मौजूद। हिंसक झड़प में 20 जवान हुए हैं शहीद। एलएसी विवाद पर तेज हुई राजनीति। राहुल प्रियंका ने पीएम की चुप्पी पर साधा निशाना। कहा अब बहुत हुआ। मायावती ने कहा अब सरकार को जनता की उम्मीदों पर उतरना होगा खरा। एलएसी विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हमारी धरती मां, हमारी संप्रभुता खतरे में है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या हम चुप बैठे रहेंगे? भारत की जनता सच की हकदार है। उसे ऐसे नेतृत्व की दरकार है जो हमारी जमीन छीनने से पहले अपनी जान देने के लिए तैयार हो। सामने आई पीएम मोदी जी, चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। एलएसी तनाव पर राहुल गांधी का ट्वीट। ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने कहा कि पीएम चुप क्यों हो, क्या छिपा रही है। इसके साथ ही राहुल ने लिखा अब बहुत हो गया, हमें ये जानना होगा कि क्या हुआ। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की, हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि चीन के साथ झड़प में हमारे देश के अनेक जवानों के शहीद होने की खबर हर देशवासी को दहला देने वाली है। शहादत को सलाम। सरकार अब तो सच बोले। एलएसी तनाव पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ झड़प में कर्नल समेत 20 भारतीय सैनिकों के शहादत की खबर अति दुखद और झकझोर देने वाली है। खासकर तब जब भारत सरकार दोनों देशों के बीच सीमा विवाद व तनाव को कम करने के प्रयासरत है। सरकार को अब अत्यधिक सतर्क और सूझबूझ से देश हित में कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि देश को विश्वास है कि भारत सरकार देश की आन बान व शान के हिसाब से सही समय पर सही फैसला लेगी। देश का एक इंच जमीन भी किसी को कभी हड़पने नहीं देनी चाहिए। अच्छी बात है कि सरकार की कमियों को भुलाकर ऐसे नाजुक समय में पूरा देश एकजुट है। अब सरकार को जनता की उम्मीद पर खरा उतरना है। एलएसी पर हुई हिंसक झड़प पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। दोनों देशों को उठाना पड़ा नुकसान। विवाद सुलझाने के लिए सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी। पीएम मोदी आज 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी होंगे शामिल। कल 21 राज्यों के सीएम से बातचीत में कहा पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। तेल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल 55 पैसे और डीजल 69 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। लगातार 11वें दिन बढ़े हैं दाम। यूपी में आज मॉनसून देगा दस्तक। पूर्वांचल में आज हो सकती है मॉनसून की पहली बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इस बार तय समय पर है मॉनसून। देश में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत हुई है। 24 घंटे में 2003 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में
10,974 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में कोरोना के 55 नए केस सामने आए हैं। 5 महिलाओं समेत 55 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। पीएससी के 43 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। 1912 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। आज 67 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 680 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। लद्दाख में चीनी सैनिकों से हुई हिंसक झड़प में झारखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिहारी गांव के कुंदन कुमार ओझा शहीद हो गया। कुंदन कुमार ओझा करीब 7 साल से भारतीय सेना में कार्यरत थे। जब परिजनों को उनकी शहादत की सूचना मिली तो इसके बाद गांव में चीख पुकार मच गई। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। सोमवार रात को पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में हुई हिंसक झड़प में 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। इनके साथ 2 और जवान भी मारे गए। संतोष बाबू चीन सीमा पर पिछले 1.5 साल से तैनात थे। एलएसी पर तनाव के बाद देश में गुस्सा है। कानपुर में लोगों ने चाइनीज एलईडी को तोड़ा। जगह जगह चीन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एलएसी पर चीनी सैनिकों से हुई झड़प में शहीद भारतीय सैनिकों को संगम नगरी में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरहद पर भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर देशभर के साथ प्रयागराज के लोगों में भी गम है, साथ ही गुस्सा है। चाइना की कायराता वाली हरकत के विरोध में प्रयागराज में चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन कर विरोध किया गया। लखनऊ में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 287 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई। 18 पर रसूखा लगाने की तैयारी। 19 दिसंबर 2019 को हुई थी हिंसक प्रदर्शन। सरकार 25 जून तक जेईई मेन और नेट पर ले सकती है फैसला। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण अब राज्यों की सहमति पर बोर्ड और प्रवेश परीक्षाएं निर्भर होंगी। केंद्र सरकार 25 जून तक कोरोना के हालात और सभी राज्य सरकारों के सुझावों के आधार पर समीक्षा करेगी। इसी आधार पर जुलाई में बोर्ड परीक्षा जेईई मेन और नीट प्रवेश परीक्षाएं करवाने पर अंतिम फैसला होगा। यूपी के अस्पतालों में शुरू होगी ओपीडी सेवाएं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सभी डीएम सीएमओ को जारी किए निर्देश। सीएचसी और पीएचसी की ओपीडी सेवाएं शुरू करने के निर्देश। निजी अस्पतालों को भी ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए गए। एडवाइजरी का पालन करते हुए शुरू होगी ओपीडी सेवाएं। सर्दी खांसी बुखार सांस वाले मरीजों की ओपीडी अलग चलेगी। अस्पतालों में मास्क सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के निर्देश। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी अमृता रावत एम्स से डिस्चार्ज हो गई हैं। डॉक्टरों ने दोनों को 14 दिन होम क्वारंटीन की सलाह दी है। कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने पर एम्स में दोनों को भर्ती किया गया था। उत्तराखंड में मास्क नहीं पहनने पर और सार्वजनिक जगह पर थूकने पर देना होगा जुर्माना। उत्तराखंड कोविड-19 विनियमावली की अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री ने जारी की टिहरी में पलायन की रिपोर्ट। 10 साल में 90,000 लोगों ने छोड़ा घर। 52% पलायन रोजगार की वजह से हुआ। यूपी पुलिस में पीपीएस अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले। इंस्पेक्टर से सीओ बने 77 नए डिप्टी एसपी की हुई तैनाती। 70 सीओ के ट्रांसफर लिस्ट जारी। आज जेल से रिहा होंगे अजय कुमार लल्लू। शाम 5:30 बजे के बाद जेल से रिहा होंगे लल्लू। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को कल मिली थी जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी। पिछले 27 दिन से जेल में बंद है अजय कुमार लल्लू। बस विवाद को लेकर जेल में बंद है लल्लू। पशुधन विभाग में टेंडर फर्जीवाड़े में आईएएस अधिकारी तक आज पहुंच गई है। लाखों रुपए लेने का आरोप है। अफसर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में पहले से ही जांच चल रही है।
शराब के शौकीनों के लिए झटका, यूपी में फिर महंगी हुई शराब, शराब पर बढ़ाया गया सरचार्ज, यूपी कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। ग्रेटर नोएडा में यामाहा कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। बुलंदशहर के नगर कोतवाली शिकारपुर रोड पर कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज में कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पूर्व एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज और उनके गनर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर ऋषि सहाय ने पूर्व एसएसपी और उनके गनर की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। एटा में थाना अलीगंज पुलिस ने लूट की योजना बना रहे तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों के पास से अवैध असला कारतूस बरामद किया है। मुजफ्फरनगर कस्बा शाहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 25 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि युवक देर रात घर से लापता हुआ था। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कन्नौज में चोरों का आतंक है। बताया जा रहा है कि शिब्रामऊ इलाके में एक ही रात चार अलग अलग जगहों पर चोरों ने 15 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। चोरों के आतंक से पुलिसिया गश्त की पोल खुल गई है। हरदोई में बिलग्राम थाना इलाके में गंगा नदी में नहाते समय दो युवक डूब गए। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने गंगा में डूबे युवकों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक नर्सरी में मिला मगरमच्छ। मगरमच्छ के मिलने से लोगों में दहशत का माहौल, मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। कन्नौज के तिरवा कोतवाली इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पेड़ पर शव देख गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक दो दिन पहले अपने रिश्तेदारी आया हुआ था। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी हुई है। शामली में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस से दूसरी मौत की घटना हुई है। जिले में दूसरी मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल कोरोना से पहली मौत एक महिला की हुई है, तो अब कोरोना ने 12 साल के एक मासूम बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। उन्नाव में केजीबी स्कूलों के स्टाफ के शैक्षिक अभिलेख, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज का सत्यापन कार्य सिलसिला शुरू हो गया है। इस अभिलेखों का सत्यापन कराकर फर्जी व असली स्टाफ का डाटा अपडेट किया जाएगा। BAS ने शासन से निर्देश पर सत्यापन शुरू किया है, जिसकी जिम्मेदारी BEO को दी है। अनामिका कांड के बाद शुरू हुई जांच में शिक्षा विभाग में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सुल्तानपुर में भी तेज रफ्तार का कहर देखा गया। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लखनऊ बलिया मार्ग पर गोसाईगंज इलाके में हादसा हुआ। मौके पर भारी भीड़ जमा हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली के बरवलिया गांव में बिजली की करंट की चपेट में आने से 35 वर्षीय किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान घर में लगे बिजली बोर्ड में करंट उतर रहा था, जिसके संपर्क में आने पर किसान की मौत हुई है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर इलाके में मकान में झगड़े में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को कुल्हाड़ी से वार कर मौत की घाट उतार दिया। वारदात से घर में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने मृतक की पत्नी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
कानपुर देहात के शिवली कोतवाली इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में युवक का शव मिला। बता दें कि शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर के औरंगाबाद इलाके में घरेलू विवाद में पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक पत्नी को लेने के लिए ससुराल आया था। पत्नी और ससुराल वालों से कहासुनी के बाद मृतक घर के बाहर नीम के पेड़ पर अपने गमछे से फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की बारीकी के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। जालौन में लगातार बालू माफिया राजस्व को चूना लगा रहे हैं। आरोप है कि बालू माफिया अवैध खनन करके ओवरलोड ट्रकों से बिना अभिलेखों के बालू के ट्रकों को निकलवाकर सरकार के करोड़ों रुपए के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं।